द ब्रेक गो। मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस। आप लोग डायल करते रहेंगे, टेक्स्ट करते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। आज आप लोगों को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि टाइम दें, लेकिन यकीन करें इतने अनप्लग सेशंस हैं, इतनी बातें मैंने करनी है कि देखें क्या बनता है। लेट्स गो। Saturday in Weekend Hangama with Dr. Ejaz Waris आ रहा है वो पाकिस्तानी पॉप रॉक बैंड जिसने धूम मचाई पूरे सब कॉन्टिनेंट में। शेफ मुस्तफा जाहिद, हैदर हलीम एंड शाहान खान विद द लीडिंग बैंड रोजन आ रहे हैं मस्त FM 103 पे विद देयर क्लासिक नंबर्स। फिर मुझको जी वेलकम बैक। मैं डॉक्टर एजाज वारिस हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ इस सेंस में कि जाहिर सी बात है कि आज रोजन द बैंड हमारे शो में आए हैं एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर 103 एंड माय शो। एंड आइए चलते हैं, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से। एक आला सॉन्ग आपका आया बुझ है गया और जो कॉन्ट्रोवर्सी उसके साथ साथ चली जी हाँ, वो मतलब बहुत से लोगों ने कहा कि उमर अदीम का गाना भी वही था, तो ये क्या है आप बताएंगे मुस्तफा? देखिए मैं बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं जो है इसकी बहुत इजी सी जस्टिफिकेशन है वो ये है कि 2006 में हमारी एल्बम आई थी, ठीक है, और उसके बाद हमने बुझे क्या रिलीज किया था 2009 में। ओके तो इफ इट वाज एन उमर नदीम सॉन्ग व्हाई डिड इट नॉट कम आउट बिफोर आवर सॉन्ग। ये है हाँ 2008 में हमने रिलीज कर दिया। तो अगर उमर नदीम का वो गाना था तो वो क्यों तब रिलीज हुआ जब हमारा गाना रिलीज हुआ? तो इतनी सी एक बात है और आई थिंक इट जस्टिफाइज एवरीथिंग। हाँ ये बात वैसे माननी पड़ेगी कि वो गाना बाद में आया, पहले नहीं आया। बिल्कुल ये तो है, मानना पड़ेगा। मसाला ओके 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 बिल्कुल मसाला आ जाएगा। हम कॉल्स लेंगे आपकी बैक टू बैक। 11:24 भी 22 हो रहे हैं घड़ी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद दोबारा आ गए, आप एक बार एक शो में एकदम ही आना है यार। नहीं दिल नहीं कर रहा मैं जजी भाई। अच्छा रोजनी से ये पूछेंगे फेवरेट कलर कौन सा है? कलर कौन सा फेवरेट? मेरा जी फेवरेट कलर है ब्लैक। ओके और आपका? पर्पल। पर्पल और ब्लैक। और बिल्कुल हैदर आपके लिए एक बार मजाक सवाल किया आमना ने जी, कह रहे कि इनमें से लंबे बालों वाले कौन से हैं? और से ये पूछे कि इन्होंने लंबे बाल क्यों रखे, इनको शॉर्ट सूट करेंगे? जी ये शाहान के लिए सवाल होगा क्योंकि मेरे तो बड़े छोटे हैं। लेकिन दोनों के लंबे लग रहे हैं। अब देखते हैं कि दोनों के लिए किसके लिए सवाल था। हेलो वालेकुम असलम। कौन? मुबशिर। मुबशिर क्या हाल है आपके? मुबशिर मजा आ रहा है आपको? तो क्या सवाल है आपका रोजन द बैंड? सवाल ये है कि सवाल तो कोई नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपका ये गाना तो फिर वो तो अंत की सुबह गाना है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू मुबशिर, आप भी बहुत अंत हैं। अच्छा लगा मुझे आपसे अपने ही वर्ड सुन के अंत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? वन एंड ओनली शर्मा। कैसी हैं ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक। क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? जैसे भाई आज हमारे ये मेहमानों से मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मुंबई में मैंने काफी अच्छा सफर गुजारा होगा तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये कहते हैं ना कि ये बहुत बदतमीज है आपस में तो इनका भी यादगार लम्हा वहाँ पे अच्छी याद कर बदतमीज चालू क्या लिंक किया उसको? देखो बड़ा यादगार लम्हा है जब मैं और हैदर फर्स्ट टाइम बॉम्बे जा रहे थे 2006 में या 7 में, तो फिर आओ रिकॉर्ड करने तो उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया की थोड़ी सिचुएशन टफ थी, तो फर्स्ट फ्लाइट थी जो जा रही थी सिचुएशन ठीक होने के बाद, और हम दोनों अकेले थे फ्लाइट में पूरी फ्लाइट में और छह एयर होस्टेसेस थी। अब दो लड़के थे और छह एयर होस्टेसेस थी और फ्लाइट आप इसमें समझे जैसे हमारी प्राइवेट फ्लाइट थी, तो बदतमीज तो एक्सपेक्टेड नहीं। That's really interesting. कैसे आप पता नहीं इस बात का की बात भी हो चुकी है। मुझे बताएंगे जो गाने आवारापन के थे
आप मतलब खुश हैं कि जिस तरह वो पिक्चराइज हुए बिग स्क्रीन पे वो एब्सोल्युटली मुझे बिल्कुल इमरान हाशमी एक्टिंग सही है उसमें। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि ये बैंड का गाना है और उन्होंने हमें बॉम्बे बुलाया शूट किया इसको और हमें क्रेडिट मिला फिल्म में मूवी के एंड पे क्रेडिट मिले इवन के एल्बम के ऊपर क्रेडिट मिले जो म्यूजिक एल्बम थी तो इट्स अ ग्रेट ऑनर और उन्होंने गाना को जाया भी नहीं किया। यादगार कॉन्सेप्ट कब हुआ पर कौन सा यादगार लम्हा था कॉन्सेप्ट वाइज एनी मेमोरेबल रिसेंटली मेरे सबसे ज्यादा जो अच्छा परफॉर्मेंस थी हमारी वो थी आग लाइव पे। यस 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 मैंने कम देखा है वो कल दोबारा भी देखा वॉज अ वेरी गुड शो। आई थिंक बहुत अच्छा शो इस तरह से था कि उस शो के ऊपर ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही थी और आई स्टिल रिमेम्बर के हमने जिस चैनल के लिए वो शो किया था द सीईओ सेंड मी अ मैसेज सेइंग रोजन वाज द बेस्ट एट द इवनिंग एंड वी अप्रिशिएट इट वी रिस्पेक्ट हिम फॉर सेइंग दैट। सर बताएंगे जो आजकल बहुत से और लोग भी गा रहे हैं आप लोगों के जो हम असर हैं सॉर्ट ऑफ उनमें से आपकी फेवरेट आवाजें तीनों की कौन कौन सी हैं आपसे स्टार्ट करेंगे शाहान बताइए अब बोलिए जवाब दीजिए। ये मुश्किल है नहीं देखिए मतलब कोई ऐसा गाना जो आप लोगों को लगा कि अगर हम गाते तो शायद ज्यादा अच्छा गाते हो सकता है कोई इस सॉर्ट ऑफ थिंग है ना होना चाहिए लेडी गागा ऐसा कोई गाना दिन में नहीं आ रहा आपके हैदर पे आ रहा नहीं फिलहाल क्योंकि आपके कोई अपनी फेवरेट आवाज कौन सी किसको सुनते हैं आप मुझे इंडियन कंपोजर में विशाल शेखर मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक एक गाना है उनका तुझे बुला दिया आई थिंक लव दैट हम सुनेंगे आपसे फिर एंड पे हम बोल के सुनना चाह रहे हैं एक लाइनिंग कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जहाँ से कहते हो ठीक ठाक मेरा कजन है वलीद अकबर खान वो पागल हो गए फोन भी ला मिला के आधी मिनट की बात करने वाला वो बेहोश हो जाएगा पहले उसकी सेहत ये है आपके बिग फैन। अस्सलाम वालेकुम कैसे आप अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब मुस्तफा कैसे वलीद आप ठीक ठाक हो अल्लाह का शुक्र सर आप नए सर में मुस्तफा से बात करवा देंगे मैं मुस्तफा ही बोल रहा हूँ और आपने बेहोश नहीं होना बिल्कुल भी बात करनी पूरी बिल्कुल 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 मुस्तफा भाई क्या हाल है ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम आप कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र मुस्तफा भाई आपके हम इतने बड़े फैन हैं इतने बड़े फैन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा फैन यही लोग कहिए मेहरा ये है आपका एसेट एक्चुअली। अब हम जा रहे हैं टू अनदर लाइव परफॉर्मेंस कौन सी आनी चाहिए बुझेगा बुझे गया आला बुझे गया ये यादगार सॉन्ग ये सुनते हैं रोजन हमारे साथ मौजूद है इन पलों को कैद कर लीजिए महफूज कर लीजिए रोजन द बैंड। आंसुओं की लड़ी आज बहने लगी ये आंखें क्या कहने लगी सांसें दूं मैं मेरे जो बहने लगी ये मुझसे कब कहने लगी ये प्यार तो है दीवारा मेरे तूने नचाना कैसा था तेरा इरादा इससे ही मुझको चुराना जाने ना ये समाना बुझ गया ये दिल का दिया तेरे बिना गए ना मोरा दिया बुझ गया ये दिल का दिया तेरे बिना गए ना मोरा दिया मुझसे मेरी आज कहने लगी ये क्या बेखुदी ये क्या जिंदगी रातें भी इस तरह है कटने लगी अंधेरे में कैसे एक अजनबी अब तो है किसका सुनाना अपना हुआ जो बेगाना जहाँ था उसको मनाना पर मेरा दिल ही न माना नन 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 जाने ना ये जमाना बुझ गया ये दिल का दिया तेरे बिना गए ना मोरा दिया बुझ गया ये दिल का दिया तेरे बिना गए ना मोरा दिया। ग्रेट वन ग्रेट वन एक कॉल लेंगे हम जल्दी से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल लग रही है और कहीं बाहर से लग रही है मुझे। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रही हैं आप? मैं वहीना बात कर रही हूँ यार भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप कहाँ
कॉल कर, न्यूजीलैंड से आपकी बिगेस्ट फैन बात कर रही है। इन्होंने कहा था कि मैंने आज लाजमी कॉल करनी है। वजिया कैसी है आपकी? बहुत बड़ी ऐसी हूँ वजिया। आपको पता है कि आज रोजन हमारे साथ हैं और आप उनकी बहुत बड़ी फैन भी है, पता है ना आपको इस बात का? अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए सुबह के 6:30 बजे। हाँ, वहाँ के 6 बजे। हाँ जी, मैंने आईफोन में ना अपना पास का ये डाउनलोड किया। बिल्कुल आपका गुलाम भी मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना मेरा आपको। चले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ से कॉल किया, ठीक है ना? और आप और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त सब गाने होते हैं और बहुत मैं आप लोग पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ और आपके प्रोग्राम को बहुत ज्यादा मिस। ओके ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह हाफिज। बात सुनी जाट भाई? सुनाई जल्दी कर ले, शॉर्ट टाइम हमारे पास, जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चली गई वो, थैंक यू भैया, आपने न्यूजीलैंड से कॉल किया, आपने वादा किया था कि आप कॉल करेंगे। आप रोजन वेंट हमारे साथ हैं, हम जाएंगे टूवर्ड्स द सेकंड लास्ट कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद लोगों के दिल धड़क रहे हैं, लोग बहुत बेचैन हैं आप तीनों के जो है ना, तो फिर आओ के लिए बहुत कुछ हो रहा है। अब तो मेरी भी काफी कुछ हो गया, मेरा जो गाना है इतबार वो आपको हमें जरूर सुनाएंगे, ठीक है ना? तो आई चलते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक। मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस, आज रोजन वेंट हमारे साथ हैं, इतने लोग जमा यहाँ पे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से एंड करूँ, लेकिन मजा आने का। You're listening to Dr. Ajaz Waris on Must FM 103. जी हाँ, मैं आ गया वापस, मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस और आज हमने इनवाइट किया हुआ है रोजन द बेंच को, जो कि कई सालों के बाद रेडियो पे वापस आए हैं विद माय शो। आला हो गया, आला आला आला। मुस्तफा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? आप कॉन्सर्ट्स कोई खास बात बताइए हमें, बस लोग बेचैन है जाने के लिए। इंशाल्लाह ताला जी, वी आर गोना बी इन कनाडा ईद के बाद, और उसके अलावा दुबई आई थिंक नेक्स्ट मंथ, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एल्बम सबसे इम्पोर्टेंट है और जद्दा। और पता है आपने एक वादा किया था अभी हम सबसे कि आप लोग एक गाना गाएंगे अपनी अगली एल्बम का भी, कहीं वो चोरी ना हो जाए, बाकी लेकिन हम है ना, मेरे साथ ही हमने गाया, बट एक और गाना मेरे साथ ही तो गा दिया। मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला था कैसे जिए गाने को, तो हम एक लाइन कैसे जिए की जरूरत है, थोड़ा सा आप गा दीजिए ताकि लोग लोगों की। ये गाना दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली गोना सिंग इट समवेयर, बिकॉज़ आपको ना एक स्पेशल मैसेज आया हुंजा और महक का कि ये गाना उनके नाम करना है। हमजा और महक के लिए जी कैसे जी, बहुत रफ सा टीजर है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ द एल्बम, इतना ही काफी बिकॉज लोग यू नो, और ये कुछ ऐसे है। ये मेरे दिल का जाना एक आखिरी फैसला है, हो था प्यार मेरा तो झूठा सच्चा, मगर ये खुदा है, हो ये मेरे दिल का जाना एक आखिरी फैसला है, अब साथ होगा न तेरा ये दर्द की इंतहा है, था प्यार मेरा तो झूठा सच्चा, मगर ये खुदा है, तन्हाइयों में हूँ रोया तब जाके मुझको मिला है, दुनिया के रिश्तों में तो ये होता ही रहा है, लैला और मजनू भी तो एक दूसरे से जुदा है, छोड़ गया मुझको अधूरा यहाँ, क्या ये वफा है या है कोई इंतहा, कैसे जिए से कहे कब से शुरू ये सिलसिले, जिनके निशान अब मिल रहे वो ना यहाँ क्यों मिल रहे। अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग, क्या एल्बम होगी है ना, सोचे दैट्स ग्रेट वन।